अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं बात करूंगी कि क्या खजूर खाने से हमल ज़ाया हो सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो खजूर है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। जो खजूर है वो रिच होती है मल्टी विटामिन्स में और मिनरल्स में, इसलिए जो एक हामला औरत है उसके लिए वो मल्टी विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके होने वाले बच्चे की ग्रोथ के लिए भी। और उसके अलावा जो खजूर है वो रिच इन फाइबर होती है, 0.6 ग्राम इसके अंदर जो है वो फाइबर होता है, जिसकी वजह से हामला औरत को कब्ज नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, इसलिए इसको लाजमी डाइट में शामिल करें। और इसकी एक हैरानकुन बात यह है कि इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो कि एचबी को कवर करती हैं और खवातीन में खून की कमी नहीं होने देती। उसके अलावा इसके अंदर 0.45 ग्राम शुगर होती है, वो खवातीन जिनको डायबिटीज इन प्रेगनेंसी है या जो कि शुगर की मरीज हैं और उनको हमल हो गया है तो उन्हें चाहिए कि वो खजूर को अपनी खुराक में शामिल ना करें। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल है तो वो डॉक्टर के मशवरे से डेली की खजूर एक ले सकती हैं या हफ्ते में 2 से 3 दफा वो ले सकती हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से और अपनी शुगर का चेक एंड बैलेंस करके। इसलिए हमला खवातीन को चाहिए कि वो डेली बेसिस पे अगर उनको शुगर नहीं है तो वो खजूर के 2 से 3 दाने यानी कि रोजाना 2 से 3 खजूरें वो लाजमी फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से अपनी खुराक में ऐड करें ताकि उन्हें कब्ज भी ना हो और तमाम अहम मिनरल्स विटामिन्स उनको मिलते रहें, उनकी एचबी कवर रहे, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हों। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।